सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इनपे इसकी GT सीरीज के और एक न्यू मोबाइल इनपे GT 11 Pro इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो इस वीडियो में जानेंगे इसका प्राइस कितना होने वाला है और ये इंडियन मार्केट पे कब लॉन्च होगा और यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर मिलेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इनपे इसके न्यू लॉन्च डिवाइस के ऊपर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, चेंजेस की बात करें तो GT 11 Pro में डिस्प्ले पे चेंजेस आएगा थोड़े बहुत, जहाँ पे आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विथ 144 रिफ्रेश रेट। हाँ दोस्तों, इस बार आपको रिफ्रेश रेट पहले से ज्यादा मिलेगा। पहले आपको 120 हर्ट्ज का मिलता था, अभी 144 हर्ट्ज का मिलेगा। तो जो डिस्प्ले है वो GT 10 Pro से काफी बेहतर होने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कैमरा की। तो इनपे GT 11 Pro की रियर कैमरा पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा। यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का आपको एक सेंसर मिल जाएगा और दोस्तों 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर भी मिल जाएगा। और दोस्तों, लीक के द्वारा एक खबर आ रहा है इनपे GT 11 Pro पे आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा भी मिल सकता है, पर ये कंफर्म नहीं है। और दोस्तों, उसके बाद बात करें सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। पहले आपको 32 मेगापिक्सल का मिला था। तो यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी यहाँ पे आपको पहले से थोड़ा बहुत बेहतर मिलेगा इस बार। और दोस्तों, बात करें बैटरी की, तो बैटरी 5000 ही रहेगा, पर जो चार्जर है वो आपको इस बार 60 वाट के मिलने वाला है। और जो बैटरी के आउटपुट है वो भी काफी बेहतर होगा, मतलब ज्यादा एफिशिएंस होगा। जैसे पता है GT 10 Pro पे जो बैटरी की दिक्कत आता था वो GT 11 Pro पे बिल्कुल नहीं आएगा। और दोस्तों, बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के बारे में अभी तक कुछ भी खबर नहीं आया है। तो दोस्तों, यही था इनपे GT 11 Pro की सभी फीचर। अब बात करें इसकी प्राइस कितना होने वाला है। तो दोस्तों, ये मोबाइल इंडियन मार्केट पे 20,000 की प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा। और बात करें लॉन्च डेट की, तो ये 2023 पे तो लॉन्च नहीं होगा, 2024 की जनवरी या फिर फरवरी मंथ में इंडियन मार्केट पे लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।